नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। घर में नौकर रखें तो जांच परख कर ही रखें, कहीं ऐसा ना हो वो आपकी गाड़ी कमाई पर हाथ साफ कर जाए। एक नौकरानी के विश्वासघात की ताज़ा वारदात सामने आई है पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में, जहां सैफको टाउनशिप में रहने वाले एक दंपत्ति ने अपने 1.5 साल के बच्चे की देखभाल के लिए एक नौकरानी रखी थी। कुछ ही दिन में उस नौकरानी ने घर के मालिकों का दिल जीत लिया, लिहाजा वो उस पर अपने फैमिली मेम्बर की तरह भरोसा करके घर छोड़ देते। लेकिन एक दिन उस नौकरानी ने घर के कीमती जेवरों पर हाथ साफ कर लिया और बीमारी की बात कहकर उन दंपत्ति के घर से काम छोड़ दिया। लेकिन जब कुछ दिन बाद उन दंपत्ति ने अपनी जेवर वाली अलमारी खोली तो वो दंग रह गए, क्योंकि अलमारी से कीमती गहने गायब थे। इसके बाद उन दंपत्ति ने बिना देरी किए पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस ने गहनता से मामले की जाँच की और शक के आधार पर उस नौकरानी को हिरासत में लेकर सख्ती दिखाई तो उसने न केवल अपना गुनाह कबूल कर लिया, साथ ही गहने भी पुलिस के सामने रख दिए। इंट्रोड्यूस किए हैं सर, मैं बरामद हो गया हूँ, अभी फर्दर प्रोसेसिंग में है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दुर्गापुर एडीपीसी को, निहिर बाबू को, अनुभव बाबू को, सुमंगल सर को, इन्होंने बड़ी तत्परता के साथ पूरा चीज़ का वारदात को अंजाम दिए हैं, जिसने मेरा चीज़ जो है वो बरामद हुआ है, वो अभी मिलने के कागार में है। দুজনে আইসি কে রিপোর্ট করলো যে ব্যাপারটা যে আমাদের এখানে চুরি হয়েছে, আলমারি থেকে কিছু সোনার গয়না চুরি গেছে। তো ইমিডিয়েট শোনার পরে, ঘটনাটা শোনার পরে খুব প্রম্পট অ্যাকশন নেওয়া হয় এবং মাত্র 3 ঘন্টার মধ্যে কিন্তু টোটাল ডিটেকশন করে দেওয়া হয়। তারপর মালও রিকভারি খুব তাড়াতাড়িতেই সমস্ত অর্নামেন্টস সব কিছু রিকভারি করে দেওয়া হয়। প্রায় 3 থেকে 3.5 লাখ টাকার অর্নামেন্টস চুরি গেছে। এবং এখানে এটাই বলবো যে এখানে খুব দুর্গাপুর পুলিশ খুব প্রম্পট অ্যাকশন নেওয়ার জন্যই এই পরিমাণ রিকভারিটা সম্ভব হয় এবং আমাদের যে অ্যাকিউজ পার্সন সেও অ্যারেস্ট হয়ে যায়। एक नौकरानी के विश्वासघात की ये घटना बता रही है कि घर में मेड रखते समय सावधानी बरतें, साथ ही उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूर करवाएं। एयर आई न्यूज के लिए अमन राय की रिपोर्ट।